शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिव्यांगों के स्वयं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 130 लाभार्थियों को मिलने वाली निधि तत्काल खाते में जमा करें, अन्यथा मनपा प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। भारत में दिव्यांगों की जो संख्या है लाखों के आसपास है, आए दिन दिव्यांग ये जो है हमारे ही देश के हमारी भाई बहन है, मगर आए दिन दिव्यांग लोगों के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उन्हें जो बातों का जो पुलिंदा जो पुलाव जो खिलाया जा रहा है वो गलत है। सरकार हो, प्रशासन हो, इनका अभी तक दिव्यांग ऐसे लोगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और लॉकडाउन का जमाना है, कोरोना वायरस को लेकर जब लॉकडाउन हुआ था, इन दिव्यांग लोगों के ऊपर में भूखे मरने की नौबत भी आ पड़ी थी। दाने दाने के लिए ये मौकाज थे। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो गरीब है, बेसहारा है, जरूरतमंद है, उनको अभी तक के किसी भी प्रकार की मदद शासन से नहीं मिली है। कुछ शासन ने इन्हें बात ऐसी बात बताया था कि जिसके चलते इनके खाते में 2-2 लाख रुपए इनके अकाउंट में जमा होने वाले थे। क्या सही मायने में इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा हुए है क्या, आइए जानना चाहेंगे। तमाम दिव्यांग लोग इस समय में हमारे साथ में आप देख सकते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहोगे। यहाँ पर सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन उपस्थित है। नागपुर महानगर पालिका के द्वारा दिव्यांगों का जो 5% आरक्षित निधि सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर किया है, उसके माध्यम से स्वयं रोजगार के लिए नागपुर महानगर पालिका ने एक प्रशिक्षण आयोजित किया था, जिसका हमारे पास सर्टिफिकेट है। हमारे ऐसा कहा गया था कि 2 लाख रुपए का अनुदान आपको स्वयं रोजगार के लिए दिया जाएगा, जिसके कारण सभी दिव्यांगों ने उसके लिए आवेदन भी किया था। जो भी प्रशासन की कागजों कार्रवाई थी वो पूरी की। कई लोगों ने अपने पैसे खर्चा किए, किराए के रूम लिए, कई ने जीएसटी के बिल संपादन किए, लेकिन आज वो दिए के नीचे अंधेरा जैसी परिस्थिति आज दिव्यांगों की है। आज दिव्यांगों को दिखाया था जो उजाला, उस उजाले के नीचे पूरा अंधेरा है। आज दिव्यांगों की लूट ये महानगर पालिका प्रशासन कर रहा है। हम जब महानगर पालिका प्रशासन से निवेदन करने गए कि इस लॉकडाउन के बाद में आपने हमारे निधि का क्या किया है 5% निधि का, तो उसका भी जवाब देने लायक नहीं है। पूरे लॉकडाउन के समय में जब कोरोना का यह संकट आया था, केवल दिव्यांगों को एक किट मिली थी, जो वो भी अनुदान महानगर पालिका का नहीं था, बल्कि वो एक सामाजिक संस्था ने वो किट बांटी थी। अब आप क्या चाहते हो? हमारी यही उम्मीद है कि महानगर पालिका ने जो दिव्यांगों का 5% निधि है और जो आश्वासन दिया था, जो कागजी कार्रवाई करके उनका जो उनके आंखों में सपना संजोया था कि उनको रोजगार उपलब्ध होगा, उसके लिए अर्थसहाय दिया जाएगा, वह अर्थसहाय हमें मिलना चाहिए, जो हमारा अधिकार है। बिल्कुल, इनका अधिकार है, इनका ऐसा मानना है। और इनको जिस प्रकार से जो बातें जो बताई गई थी 2 लाख रुपए डालने की, इनने जो बात की अब तक नहीं मिली, ऐसा इनका कहना है। एक महिला भी हमारे साथ में, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे और क्या है सरकार से या प्रशासन से आपकी मांग? सरकार से ये प्रार्थना है कि हमें हमारा अनुदान मिलना चाहिए। हम लोग बहुत कठिन की परिस्थिति में चल रहे है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स और पैसे बहुत बर्बाद हो गए हैं। शासन से मैं यही कहना चाहूंगी, सब विकलांग लोगों को अनुदान मिलना चाहिए। ये बताइए कि यदि आपको इन्होंने पूरी तरह से मांग की है, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहेंगे आपके अगली रणनीति, क्या रहेगी? आने वाले समय आंदोलन करेंगे और महानगर पालिका के सामने भूखे बैठने की हमारी तैयारी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी आत्महत्या आत्मदाह, क्योंकि हमें जो रास्ते पर छोड़ा गया है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें जब महानगर पालिका प्रशासन नहीं दे रही, क्योंकि प्रशासन यह माए बाप होता है, और जब माए बाप ही हमें रास्ते पर निकलने पर मजबूर करे, तो उसके लिए दिव्यांगों के पास आत्मदाह या आत्म रक्षा के लिए जो भी करना है उचित कदम आने वाले समय में हम करेंगे। अच्छा, हमें यह पता है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो आंदोलनकारी होते हैं प्रशासन से तो जरूर गुहार लगाता है, मगर कुछ ऐसे भी जो दिव्यांगों की कुछ संस्था है, जो कोई बीजेपी से ताल्लुका रखता है, कोई कांग्रेस से उनके संबंध होते हैं, क्या आपने बीजेपी कांग्रेस या अन्य जो भी शहर की जो पार्टी है, क्या उनके पास भी इस बात की जानकारी दी है? नहीं सर, किसी के जानकारी दी नहीं है। ये अनुदान जो था वो कॉर्पोरेशन का ही था, समाज कल्याण के तरफ से था, सिर्फ अपन लोगों के लिए था, वो उसी के लिए हमने किसी के गुहार नहीं किए, न कुछ किए। लेकिन अभी आयुक्त तो जो बोलते हैं कि गुहार कुछ आई नहीं है,
हमारा कहना यही है कि सर हमारा गोवा आया है, हमारा 3 तारीख को हमारा ये भी हुआ है, प्रशिक्षण हुआ है। क्या बोल रहे थे? हमारा ये प्रशिक्षण हुआ है, जैसा कि राजनीतिक पार्टियों के साथ हमने समन्वय इसलिए नहीं किया क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियों का कोई विषय नहीं। ये जो ऑर्डर आया है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो हमें न्याय मिला है वो सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए है उसका पालन करना प्रशासन का काम है। राजनीतिक पार्टियां केवल उसमें हमें समर्थन दे सकती है। हमने राजनीतिक पार्टियों के जैसे महापौर है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, इन सबको हमारा निवेदन दिया हुआ है, उनका हमारे प्रति बहुत अच्छा रवैया भी दिखा, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है, जो महानगर पालिका आज चला रहे हैं, ऐसे आयुक्त साहब इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा माननीय आयुक्त के ऊपर आरोप है कि आयुक्त ने हमें ऐसे रास्ते पर छोड़ा है। बिल्कुल, तो ये तमाम दिव्यांग लोगों ने जिस प्रकार से ये जो आरोप लगाया है ये एक मनपा के आयुक्त तुकाराम मुंडे इनके ऊपर में लगाया है। अब देखना ये होगा कि मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे जिनके एक अच्छी खासी उनकी पर्सनैलिटी एक और अच्छी है, तो कहीं उन्हें हिटलर शाह भी कहते हैं, हिटलर शाह भी लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि तुकाराम मुंडे को लेकर आए थे जिस प्रकार से ये जो खबरें बन रही है और ये जो कामकाज हो रहे हैं, कई आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, उनको समर्थन करते हुए नजर आ रही है। तो कई कुछ ऐसी भी दिव्यांगों की संस्था है जो लोग हैं जिनकी मांग पूरी नहीं होने के वजह से वे तुकाराम मुंडे साहब के ऊपर में खफा है। नागपुर के भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBCN न्यूज़ नागपुर।